जयपुर से खबर, जहां पर 14 महीने के बाद निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक है। सुबह 11 बजे मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बोर्ड बैठक हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। 5 प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। जोन वाइज डोर टू डोर कचरा संग्रहण का नया ठेका देने, प्रत्येक वार्ड में साथ साथ अतिरिक्त सफाई श्रमिक, सीवर कार्य और वार्ड के विकास सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। दीपक जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ, जी मीडिया संवाददाता। दीपक, क्या कुछ खास रहने वाला है आज और किस तरीके से आज उम्मीद की जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से आज बैठक जो है वो चलेगी? देखिए, काफी जद्दोजहद और बड़ी खींचतान के बाद करीब 14 महीने के बाद ये बोर्ड की बैठक सुबह 11 बजे मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में आहूत होने जा रही है। इससे पहले दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस, उनके पार्षद दल की बैठक हुई, लेकिन इस पार्षद दल की बैठक में बीजेपी की जो बैठक हुई थी पार्षद दल की, उसमें अपनों से गिरी हुई मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से संकल्प पत्र लाने की कोशिश नगर निगम के बोर्ड बैठक में की जा रही थी और उस संकल्प पत्र के जरिए समितियों को भंग करना का एक प्रस्ताव लाया जा रहा था, हालांकि उस प्रस्ताव को संकल्प पत्र को लेकर जो संगठन है बीजेपी का, उसने गहरी नाराजगी जताई है कि आखिर ये संकल्प पत्र किसके कहने पर साइन करवाए गए, 60 से ज्यादा जो पार्षद है वो कौन थे, किसके कहने पर उन्होंने साइन किए और संकल्प पत्र की शुरुआत कहां से हुई, किसने उस संकल्प पत्र को मेयर को दिया, इसको लेकर अब जांच संगठन करेगा और कौन कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको जांच के लिए जो संगठन है उन्होंने कहा है। क्योंकि संगठन का साफ तौर पर दो टूका है कि कांग्रेस के पार्षदों ने जिन्होंने साइन किए हैं, यानी कि नगर निगम के अंदर बीजेपी के बोर्ड को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के साथ मिलकर, जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बड़ी बात है, इस बैठक के अंदर 5 एजेंडे रखे गए हैं, जिसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मुद्दा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण की जो काम अभी देख रही है बीवीजी कंपनी, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही जोनवार डोर टू डोर कचरा संग्रहण के नए ठेके देने का यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ में सभी करीब 150 वार्ड है, इसमें साथ साथ अस्थायी कर्मचारी देने का प्रस्ताव है। सीवरेज कार्य है, वार्ड के कार्य है, इनके प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि 3 दिन पहले ही देखिए IAS तबादला सूची आ चुकी है, इसमें नगर निगम ग्रेटर के जो आयुक्त है यशमित्र सिंह देव, उनका तबादला हो चुका है, उनकी जगह महेंद्र सोनी को यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन अभी संशय बना हुआ है कि क्या महेंद्र सोनी यहाँ आज पदभार ग्रहण करते हैं, क्या वो पहली बोर्ड की बैठक के अंदर सामना करते हैं, या फिर जो यशमित्र सिंह देव है वो आज रिलीव नहीं होकर इस बोर्ड की बैठक में शामिल होते हैं। यदि यशमित्र सिंह बोर्ड की बैठक में रिलीव नहीं होकर शामिल होते हैं तो ये तय माना जाएगा कि जो नगर निगम की बोर्ड की बैठक में उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाने की भी यहाँ तैयारी की जा रही है। क्योंकि देखिए लंबी खींचतान और यशमित्र सिंह देव के कारण ही सौम्या गुर्जर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, भले ही उनको सुप्रीम राहत मिली हो। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की पार्षद दल की बैठक हुई थी उसमें भी यशमित्र सिंह पूरी तरीके से घिरे हुए नजर आए थे और उन्होंने भी अलग अलग तरह के आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार को लेकर एक आरोप लगाए थे, लोकतांत्रिक तरीके से और तानाशाही रूप से जो अफसर है नगर निगम में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास उन्होंने दो टूक कहा था, जो अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, जो इस तरह के अराजकता का माहौल फैला रहा है, उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से अवगत कराएंगे। लेकिन ये तय है कि आज की जो बैठक है वो हंगामेदार होगी। बिल्कुल, हंगामा आज जो है बैठक में देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति जो है लगभग बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि क्या कुछ होता है इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर बात करते हैं कोटा